अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों पेपर था जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, आज बीए ऑनर्स अरबिक का पेपर आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सेट सी है मेरे पास और अब बात करेंगे हम इसका पार्ट ए है। पार्ट बी तो आपको पता है कि जमा हो जाता है, वो मिलता नहीं है। तो पार्ट ए में दोस्तों 40 नंबर का पेपर है, मैं आपको बताने वाला हूँ इसके आंसर्स। तो चलते हैं अब आंसर की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक टाइम पर लगातार पहुँचते रहें। दोस्तों पेपर पे चलते हैं अब आंसर दोस्तों देख लें। पहला दोस्तों इसका आंसर होगा आपका रिक्टर स्केल किस काम में आता है, ये आपका अर्थक्वेक का मेजरमेंट नापने में इसका इस्तेमाल होता है। तो सेकंड सवाल है भूल भुलैया कहाँ पर है, दोस्तों ये लखनऊ में है भूल भुलैया। तो थर्ड सवाल आपको आया था उमरान मलिक, बहुत फेमस हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा, ये क्रिकेटर हैं बहुत, इनसे इनके बारे में आ रहा था न्यूज़ पे। उसके बाद बहरीन की कैपिटल क्या है, दोस्तों इसका आंसर होगा मनामा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था नाटो की फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से और बताना है आपको ट्री ब्रांच लीव्स और चेयर, तो इसका आंसर होगा चेयर। तो नेक्स्ट सवाल आपका है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, दोस्तों कहाँ पर है ये आपका है कुतुब मीनार के पास ये मॉस्क है कुव्वतुल इस्लाम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था FIR क्या होती है, तो ये होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ गुजरात की कैपिटल क्या है, तो उसमें इसका आंसर होगा गांधीनगर, ये अहमदाबाद गलत लगा हुआ है, इसका आंसर होगा गांधीनगर। तो नेक्स्ट सवाल था आपका सूडान की कैपिटल क्या है, ये होगा खारतूम। तो उसके बाद GCC की फुल फॉर्म क्या है, तो उसमें ये होगा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये इसका आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था जैनिन कहाँ पर, दोस्तों एक शहर है पैलेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट सवाल था आपको हाउ मैनी मून अल्फ़ाबेट्स, इनको बोलते हैं अल हरूफुल कमरिया, ये दोस्तों होते हैं 14, इसका आंसर है। उससे नेक्स्ट सवाल था विच UN एजेंसी डील्स विद कल्चर, इसका आंसर होगा यूनेस्को। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिटी, ये एक सिटी है, ये है आपका अलेक्जेंड्रिया, ये आपका इजिप्ट के अंदर आता है, बाकी जो है अरब वर्ल्ड में नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल था आपका दोस्तों ये थोड़ा अरबिक वाला पार्ट था, इसको आप देख लीजिएगा, मैं इसको नहीं छूता हूँ, मे बी गलत हो जाए। तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली आपका सी होगा मोस्ट, लेकिन इसको देख लीजिएगा डाउटफुल है, सी होगा इसका आंसर। उससे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अब, उससे काइंड ऑफ वीक वर्ब, उससे वीक वर्ब आई थिंक इसका ऑल ऑफ द अबव होगा, लेकिन इसको आप देख लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है इसका आंसर आपको जो है वी ही होगा आपका, जहाँ तक मेरा ख्याल है। दोस्तों अगला वाला सवाल था आपका इन्ना वाकबाद है, इनमें से कौन सा नहीं, दोस्तों इसका आंसर होगा इसका आंसर तो काना नहीं होगा, ये इन्ना का पार्ट नहीं है, ला किन्ना सब इसका पार्ट है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपका इसमें से कौन सा काना वाकबात हुआ नहीं है, उसका आंसर होगा कान्ना, ये कान्ना लिखा हुआ है, ये इसका पार्ट नहीं है, कान्ना काना है दोस्तों, ये इसका पार्ट नहीं, मादाम तो इसका पार्ट होता है, लेकिन कान्ना इसका पार्ट नहीं है, उसकी कान्ना ही लिखा हुआ रहता है ये, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं है इसमें। मोस्ट प्रोबेबली कान्ना होगा, अगर ये कान्ना है तो ये इसका पार्ट नहीं होगा, बता भी होता है उसको, लैसा भी होता है, मादाम भी होता है, इसका आंसर बी होगा दोस्तों, ये कान्ना ही लिखा होगा। दोस्तों काइंड ऑफ इल्मल बलागा, दोस्तों इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसके बाद ये ऑपोजिट है, इसको छोड़ देता हूँ मैं, ये गलत ना हो जाए कहीं। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था अल्लाह किन्ना की दोस्तों खबर क्या होती है, दोस्तों ये दोस्तों मरफू होती है, क्योंकि अरबिक में जो है वो जो आपकी जो खबर होती है वो आपकी मरफू होती है, उस पर ज़बर आता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा मून लेटर है, दोस्तों मून लेटर होगा इसके अंदर जीम होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इनमें से कौन सा सन लेटर है, तो उसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सो अगला सवाल आपको आया था UNO को अरबिक में क्या बोलेंगे, दोस्तों ये बोलेंगे मुंजमतुल अमम अलमुत्तहिदा, ये इसका आंसर है। दोस्तों अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एक केरो के अंदर है। सो नेक्स्ट सवाल व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इसका आंसर होगा पीकॉक। दोस्तों अलेप्पो कहाँ पर है, दोस्तों ये सीरिया के अंदर है, बहुत फेमस शहर है अलेप्पो। फाउंडर ऑफ जामिया मोहम्मद जौहर, दोस्तों ये जेरूसलम में इनकी जो है इनको दफनाया गया था। दोस्तों ये किताब किसने लिखी है, इसको छोड़ देता हूँ मैं। दोस्तों अगला सवाल है द फुल फॉर्म ऑफ द UNSC, इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये इसका आंसर सी होगा। सो वेयर इज़ मस्जिद अल अक्सा, दोस्तों इसका आंसर होगा पैलेस्टाइन। दोस्तों अगला सवाल है हसन बिन साबित जो है ये कौन है, दोस्तों इन्होंने जो है
कंपोज पोएट्री इन इन प्रेज ऑफ द प्रॉफिट, तो उसे इन्होंने मैं सब इसका आंसर उसी ये वाला होगा, हसन में साबे इसका आंसर ये होगा उन्होंने दोस्तों। इसके बाद वर्ल्ड अरेबिक डे, इसका आंसर होगा 18th ऑफ दिसंबर। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। अरेबिक में दोस्तों होता है आपका वर्ड, पहले वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आता है, दोस्तों ये इसका आंसर होगा। दोस्तों अगला जो है आईपीएल की फुल फॉर्म दोस्तों क्या होगी। अब आईपीएल की फुल फॉर्म दोस्तों इसमें से जो है बी भी हो सकता है और डी बी। अब ये मालूम कौन सा लेंगे, लेकिन मैं बी लगाता हूँ उसमें, लेकिन इसका आंसर डी भी हो सकता है क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये दोस्तों ये भी इसका आंसर हो सकता है। उस नेक्स्ट सवाल आपको आया था दोस्तों, इसमें से ये बताना था आपको ये काफ ते और बे का कौन सा इसमें डेरिवेशन नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ दोस्तों। इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों इसका आंसर सी होगा, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। सो इसमें से कौन से कलमा हैं, तो इस्म फेल और हब जो हैं वो होते हैं कलमा। दोस्तों ये मैंने लगभग आपको 35 के अराउंड आंसर मैंने बताया, सारे आंसर ठीक हैं, चार पांच मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि उसमें गलती ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। बाकी सारे आंसर ठीक है, आप इसे मिला लीजिए आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।